Hello students, so today I'm going to teach you about food. Yeah, I'm talking about food. So what do you know about food? Food is one of the basic necessities of life. मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को ये पता होगा, याद होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं. ये तीन चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. तो आज का ये जो चैप्टर है फूड, ये मैं पढ़ा रहा हूँ DAV स्कूल में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए जो क्लास 3rd के स्टूडेंट हैं और उनकी साइंस की किताब है ना, उससे. सो फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन क्लास 2 दैट वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो बच्चों पता है ना कि फूड की ज़रूरत होती क्यों है? सीधी सी बात है, जिंदा रहने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है. और सारे लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है उन्हें जीने के लिए, ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए. और अगर हम फूड अगर हम खाना खाएंगे नहीं, देन हाउ वी विल गेट एनर्जी टू डू वर्क. एनर्जी, चाहे कोई भी काम करना हो, चलना हो, पढ़ना हो, खेलना हो, है ना, कहीं जाना हो, आपको कोई भी काम करना हो, वट एवर वर्क यू वॉन्ट टू डू, यू विल नीड एनर्जी. और बिना एनर्जी के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, है ना. और हम लोगों को फूड मिलता कैसे है? हम लोगों को फूड मिलता है प्लांट से, एनिमल से. अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, फिल इन द ब्लैंक्स. सो वी ईट फूड टू, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग लिव एंड ग्रो. ओके, नेक्स्ट. फ्लोर इज ऑब्टेंड फ्रॉम ये आटा हमें कहाँ से मिलता है जिससे हमारी रोटियाँ बनती हैं, पूरी बनती हैं, चपाती बनती हैं? हाउ डू वी गेट इट? फ्लोर आप लोगों ने पैकेट्स में खरीदे होंगे. इफ़ सम ऑफ यू विल बी लिविंग नियर द विलेज, दे विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन मोर इजीली. आटा हमें मिलता है वीट प्लांट, गेहूँ के बीज से. ओके, सीड. और तीसरा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, डैश एंड डैश आर यूज एज ड्राई फ्रूट्स इन विंटर्स. तो हम लोग कौन कौन से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर अगर मैं नाम देखूँ तो एक नाम मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आलमंड्स का नाम आ रहा है, भाई बादाम, है ना. बादाम कहते हैं कि बादाम खाने से शरीर गर्म रहता है. और क्या होगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन? पीनट्स, अगला आंसर होगा इसमें पीनट्स. तो हमें पीनट फिलअप करना पड़ेगा. तो ऐसा करता हूँ कि मैं बस मार्क कर देता हूँ कि ये पीनट यहाँ से यहाँ चला जाए. जस्ट ए मिनट. ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगा. अब ये पीनट हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे और आलमंड्स को यहाँ फिलअप करेंगे. नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर टू मिल्क प्रोडक्ट्स. तो इस लिस्ट में हम लोग जो मिल्क प्रोडक्ट्स का नाम देख रहे हैं, आपको मैच करके देखना है, सोच करके देखना है कि कौन कौन से इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. वेरी सिंपल, यहाँ पर हम लोग चीज़ को डालेंगे और यहाँ पे हम लोग कर्ड को डालेंगे. कर्ड मुझे तो बहुत पसंद है. चिंटू लाइक्स टू ईट फिश, ही इज ए. तो जो लोग भी फिश खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन बोलते हैं या नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं? उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं. जो भी बच्चे आप सब लोगों में से होंगे जो फिश खाते होंगे, चिकन खाते होंगे, मीट खाते होंगे, अंडे खाते होंगे, तो हम उन्हें नॉन वेजिटेरियन कह सकते हैं. नॉन वेजिटेरियन का आंसर हम लोग यहाँ फिलअप करेंगे ऐसे. तो चलो, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिए.
और जिन जिन बच्चों ने आप लोगों में से इसे सॉल्व कर लिया है, इसका मतलब वो खाने पीने में दिलचस्पी रखता है। और खाने पीने में दिलचस्पी तो रखना ही चाहिए, क्योंकि फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ आवर लाइफ। विदाउट फूड वी कैनॉट लिव, वी कैनॉट ग्रो एंड वी कैनॉट रिमेन हेल्दी। तो इसलिए फूड तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे क्या है? आगे अब हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कौन कौन सा फूड है जो हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन वेरियस फॉर्म्स। तो आप सब लोग ऐसा कह सकते हो कि आप लोगों को तो बहुत सारा फूड बिग बाजार से मिल जाता है ना? बिग बाजार से पैकेट में मिल जाता है। आप कह सकते हो कि आपको ग्रोसरी की दुकान में बहुत सारा फूड आइटम जैसे कि मैगी है, चिप्स है, आइसक्रीम है, तो वो सारी चीज़ें आपको दुकान से मिल जाती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और उसी रॉ मटेरियल के बेसिस पर फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके पॉलीपैक में ये ग्रॉसरी स्टोर में अवेलेबल होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम लोगों के फूड का जो दो बेसिक सोर्स है, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ, यू कैन सी इन द पिक्चर्स, दीज आर द आइटम्स वी कैन गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। तो हम लोगों को प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आप देखो इस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आप व्हीट सीड्स को देख रहे हो, यहाँ पर आप फ्लोर को देख रहे हो। हेयर यू कैन सी वेरियस फ्रूट्स एंड हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी सो मैनी वेजिटेबल्स एज लाइक कैरट, लेडी फिंगर एट्सेट्रा। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ, दे प्रोवाइड अस मैनी फॉर्म्स ऑफ फूड मटेरियल्स। Some of the foods are eaten raw and some are cooked before eating. तो बच्चों आप बता सकते हो कि कौन कौन सा फूड आइटम हम लोग रॉ खाते हैं, बिल्कुल कच्चा ही, लेकर के आया, धोया और खा लिया। तो आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अबाउट फ्रूट्स। ये जो सारे के सारे फल हैं ना, पपाया, ग्रेप्स, वाटरमेलन है ना, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, सो हाउ कैन यू ईट इट? Do you need to cook it before eating? No, you will not need to cook it. You have to just buy it and you have to clean it with water and after that you can eat it. तो इस तरीके से हम लोग ये सारे जो फ्रूट्स हैं जिसे हम रॉ कच्चा खा सकते हैं। अच्छा, अब अगले पेज पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ज़रा सा आपको याद दिलवा दूँ कि मेरा ये YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग। तो आप सारे बच्चे जो DAV स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, तो मैंने ना इसमें क्लास 3rd से लेकर के क्लास 10th तक के बच्चों के लिए काफ़ी सारा लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ साथ में इन सारे लेक्चर्स को सुनो, है ना, और आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें दो बातें हैं कि अगर आप मेरा लेक्चर सुन करके, लेक्चर देख करके तब अगले दिन क्लास अटेंड करते हो तो आपको क्लास की जो बातें हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। दूसरी बात ये है कि इफ़ somebody हैज missed द क्लास, अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास मिस कर दिया है, देन तब वो चाहे तो मेरे लेक्चर सुन करके उसे उन सारी बातों को कैचअप कर सकता है, पढ़ सकता है। तो मेरे लेक्चर तो उसके लिए भी यूजफुल है। और तीसरी बात, वेन इट इज़ टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम्स, और आप किताबों में सिर नहीं खपाना चाहते, आप चाहते हो कि सुन लो, देख लो, कि कोई पढ़ कर के सुना दे, सो हेयर इट इज, माई लेक्चर विल बी हेल्पिंग यू ऑल ऑफ देम। सो माई लेक्चर्स आर यूजफुल फॉर 3 पर्पसेस। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं कि और क्या बातें हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है फूड। सो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। We eat seeds and fruits of some plants and roots, stems or leaves of other plants. तो बच्चों हम लोग पौधों के किस किस हिस्से को, किस किस पार्ट को खाते हैं, और मैं कहूँ कि हम लोग उसके पत्तों को खा जाते हैं, देन आप किसका नाम लोगे? यू विल टेल मी अबाउट स्पाइनैक, है ना, आप पत्ता गोभी कहोगे, कैबेज कहोगे ना, बिल्कुल, और भी बहुत सारे साग होते हैं। अच्छा, और अगर मैं बातें करूँ तो आप सब लोग कह सकते हो कि हाँ, हम लोग पौधे का जो ये फ्रूट वाला हिस्सा होता है वो तो अक्सर खाते हैं, वेदर इट इज़ टोमेटो है ना, पीस, मटर के दाने हैं, और क्या हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
हम लोग एक्चुअली में पौधों के बहुत सारे हिस्सों को, उसके अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। हम लोग उसके सीड्स को भी खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं, रूट्स को भी खाते हैं, स्टेम्स को खाते हैं और लीव्स को भी खाते हैं। सो लेट अस लर्न हाउ वी यूज वेरियस पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन आवर फूड। मैं चाहूँगा बच्चों से कि आप सारे स्टूडेंट्स ना इस क्लास को, इस लेक्चर को सुनने के बाद में एक बार आप किचन में अपनी मम्मी के पास में, अपने दीदी के पास में जा कर के बैठो, 2 मिनट देखो कि आपके किचन में, आपके फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं, वो प्लांट्स का कौन सा पार्ट है। वेदर दीज आर सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स, है ना, कौन कौन सा हिस्सा है। सीड्स, सो द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट एंड राइस आर पार्ट ऑफ आवर डेली फूड। तो बच्चों हम लोग पौधों के बीजों को खाते हैं, बिल्कुल। ये जो गेहूं का आटा है, आप जो चावल खाते हो फ्राइड राइस बिरयानी में, इसके अलावा पल्सेस दाल खाते हैं ना, एंड देयर आर सो मेनी स्पाइसेस, ये सब के सब क्या हैं, ऑल दीज आर सीड्स। तो इसमें से पहला आइटम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फ्लोर, FLOUR, है ना। तो ये क्या है फ्लावर, तो ये एक्चुअली में आटा है। सो मेनी ऑफ अस लाइक टू ईट चपातीज एंड ब्रेड डेली, दीज आर मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द सीड्स ग्रेन्स ऑफ व्हीट। आप सब बच्चों में से किसी ने गेहूं के खेत देखे हैं? गेहूं के खेत नहीं देखे? अच्छा, जस्ट ए मिनट, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप गेहूं के खेतों को देख लो। व्हीट व्हीट फील्ड्स, तब आप समझोगे कि आखिर ये व्हीट आता कहाँ से है, ये आटा आता कहाँ से है। तो ये हैं गेहूं की बालियां, ऐसे बाल होते हैं, इन्हीं में गेहूं के सीड्स होते हैं ऐसे। ओके, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के मन में इच्छा हो कि राइस, है ना, राइस, तो राइस को हम लोग पैडी भी बोलते हैं। सो नाउ वी विल सी पैडी, पैडी फील्ड्स, कि धान, धान के खेत कैसे होते हैं जिससे हम लोगों को राइस मिलता है। हेयर इट इज, ये होते हैं धान के खेत। अच्छा, और ये देखो, ये धान के खेत हैं, है ना, ये हैं धान की बालियां। तो ऐसा नहीं है कि आप जो आटा, आप जो चावल खा लेते हो, बिरयानी खा लेते हो, आप जो खीर खा लेते हो, ये आपके पास में सीधे सीधे भगवान ने पैकेट से बनाकर भेजा है। नो, फार्मर्स को इसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत खेती करनी होती है, तब जाकर के आपके पेट में ये टेस्टी सा खीर पहुंचता है, बिरयानी पहुंचती है, रोटी, चपाती, पूरी, ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे हम लोग डू यू नो सेक्शन में देख रहे हैं कि दलिया, सूजी एंड मैदा आर ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम सीड्स ऑफ व्हीट। दलिया में व्हीट के सीड्स को भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगहों पर मैंने देखा है दलिया के लिए मेज, मकई के सीड्स को भी वो इस्तेमाल करते हैं। सो वी ऑल्सो ईट राइस और मेज ग्रेन्स विच आर सीड्स ऑफ दीज रिस्पेक्टिव प्लांट्स, दीज आर समटाइम्स ग्राउंड टू मेक देयर फ्लोर। डोसाज एंड इडलीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए पेस्ट ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल। अरे वाह, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके बुक के चैप्टर में भी व्हीट प्लांट को दिखाया गया है। सो हेयर यू कैन सी द व्हीट प्लांट, ये ग्रीन है ना, यहाँ पर ये व्हीट प्लांट जो है ये मैच्योर हो चुका है और इसके ये दाने, ग्रेन्स निकले हुए हैं और इससे ये आटे की बोरी है। एंड व्हाट आर द आइटम्स, फूड आइटम्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड विथ व्हीट, विच कैन बी प्रिपेयर्ड विथ व्हीट फ्लोर। सो हेयर इट इज चपातीज, पराठा, और आप क्या देख रहे हो, पूरी देख रहे हो ना। तो अगर गेहूं के पौधे नहीं होते तो हम लोग क्या क्या चीज़ें नहीं खा पाते, बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं खा पाते। एंड नाउ द नेक्स्ट आइटम इज पल्सेज, पल्सेज आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। दाल, दाल भी कहते हैं ना हम लोग अपनी घरेलू जबान में। सो पल्सेज, दाल दैट वी ईट ओफन, वी टेक इट इन लंच एंड डिनर, इट इज मेड अप ऑफ सीड्स ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, सच सीड्स आर बॉइल्ड एंड सम स्पाइसेज आर एडेड टू देम बिफोर ईटिंग देम। तो आप कुछ दालों के नाम बता सकते हो क्या? अरे भाई बहुत आसान है, अरहर की दाल, है ना, जहाँ
जिसे कुछ लोग तुअर की दाल भी कहते हैं, मसूर की दाल, चने की दाल, है ना। अब यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो, सो पल्सेस लाइक दाल, पीज एंड ग्राम वी शुड बी एडेड टू आवर मील्स एज दे हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन, प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी तो कहते हैं, और प्रोटीन्स चाहिए। सो हेयर यू कैन सी द सीड्स ऑफ पल्सेज एंड हेयर यू कैन सी कुक्ड राइस, कुक्ड पल्सेस, है ना। ये भी एक दाल है, ये भी दाल है। और दाल मखानी की याद आती है कि नहीं किसी को? मुझे लगता है दाल मखानी का नाम सुनकर कि किसी बच्चे के मुंह में पानी भी आ रहा हो। बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है। सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज नट्स। नट्स का मतलब है यहाँ पर बादाम से। और बादाम की बात होती है, नट्स की बात होती है, तो अक्सर ना ये जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं तो इनके ऊपर एक छोटा सा हार्ड सेल होता है। सो हेयर यू कैन सी वेरियस नट्स, पीनट्स, मूंगफली वेरी कॉमनली अवेलेबल। एंड द सेकेंड पिक्चर इज, ये देखो आप, ये जो दूसरी तस्वीर है ये क्या बोलते हैं हम लोग इसे, वॉलनट्स, अखरोट, बहुत महंगे बिकते हैं। और ये है काजू नट्स, काजू है यहाँ पे। एंड हेयर यू कैन सी आलमंड्स, जिसको हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले फिल इन दी ब्लैंक्स वाले कॉलम में फिलअप किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर मूंगफली देखे, अखरोट देखे, काजू देखे और आलमंड्स देखे। तो अभी तक हम लोगों ने जो तीन तरह के फूड आइटम्स की बातें की, फूड ग्रेन्स की बातें की, है ना, तो हम लोगों ने बातें की पौधों के सीड्स के बारे में, विच इज़ वाइडली यूज्ड फॉर आवर फूड, है ना, जिसमें हम लोगों ने गेहूं, चावल और पल्सेस के बारे में बात की। फिर यहाँ पर हम लोगों ने नट्स की भी बातें की, ये भी सीड्स हैं। अब कोई बच्चा कहता है कि भाई मुझे तो पौधों की पत्तियाँ बहुत पसंद हैं, है ना। पौधों की पत्तियाँ वैसे तो हमारे बहुत सारे एनिमल्स को बहुत पसंद हैं, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है ना। लेकिन ये जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, ये विटामिन की बहुत बड़ी सोर्स हैं, और हम सब लोगों के खाने में ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। सो वी ईट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, लीव्स ऑफ स्पाइनक, फेनुग्रीक, कैबेज एंड मस्टर्ड आर कुक बिफोर ईटिंग। तो बच्चों जरा जैसे अभी सोचो कि अभी अभी विंटर सीजन खत्म हो रहा है, वी आर स्टेपिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग, बसंत ऋतु की तरफ में। तो आप लोगों ने अभी अभी विंटर सीजन में कौन कौन सा ग्रीन वेजिटेबल, या मैं कहूँ कि लीव्स, ग्रीन लीव्स खाया हो वेजिटेबल्स के तौर पर? तो एक तो हो गया पत्ता गोभी, धनिया का पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, है ना, और स्पाइनेक, वो तो रहता ही रहता है। हम लोगों ने फेन्यूग्रीक, मेथी, मेथी के साग, मेथी के पराठे भी खाए हैं ना। सो दीज आर कॉल्ड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड दीज आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, विटामिन्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं ना। और विटामिन का बहुत बड़ा सोर्स है ये ग्रीन लीव्स। यहाँ पर हम लोग मिंट लीव्स, पुदीना के पत्तों को भी देख रहे हैं, धनिया के पत्तों को भी देख रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो व्यूइंग द करी लीव्स, करी पत्ते के पौधे ये जो दिख रहे हैं ना। सो लीव्स ऑफ कोरिएंडर, मिंट एंड करी प्लांट आर यूज फॉर गार्निशिंग एंड फ्लेवरिंग आवर फूड। धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते और करी के पत्तों से हम अपने खाने में नया स्वाद जगा सकते हैं, खानों को बहुत टेस्टी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्लांट्स के उन सारे पोर्शंस को, वो सारे प्लांट प्रोडक्ट जहाँ पर हम प्लांट का स्टेम, उसके तने का भाग खाते हैं, तना। आप लोगों को याद होगा ना कि पौधों के वो पार्ट्स, वो अंग जो जमीन के नीचे होते हैं, दैट इज नोन एज रूट्स। एंड वट एवर ऑल दोज पार्ट्स विच स्टैंड्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जमीन के ऊपर जो होता है उसे हम बोलते हैं शूट्स। और शूट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत हिस्सा है, दैट इज स्टेम। सो पोटैटो इज ए वेरी कॉमन फूड यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज नथिंग बट द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ इट्स प्लांट्स। आलू, आलू के बिना तो मुझे लगता है बच्चों का खाना, बच्चों का भोजन ही सूना हो जाए। हाँ, समोसा में भी आलू, आलू की पूरी खाते हैं वो, आलू की सब्जी खाते हैं, आलू कचालू खाते हैं। आलू के बिना तो बच्चों का जी ही ना भरे, बच्चों का पेट ही ना भरे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं पोटैटो, पोटैटो के अलावा वी कैन सी ओनियंस, वी कैन सी जिंजर
एंड वी कैन सी कमल ककड़ी, ठीक है ना। आलू देख रहे हैं, प्याज देख रहे हैं, और ये जो आप अदरक देख रहे हो और ये कमल ककड़ी देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पौधों के स्टेम्स हैं, विच आर वाइडली यूज एज वेजिटेबल्स इन आवर फूड। नाउ वी कम टू रूट्स, हम लोग पौधों की जड़ें भी खाते हैं। जो जानवर होते हैं वो तो आमतौर पर पौधों के लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, बट वी ह्यूमन बींग वी ऑल्सो ईट द रूट ऑफ द प्लांट्स, देख लो। सो रूट्स, द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज एज फूड। दीज रूट्स कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। गाजर आप पका करके भी खाते हो सब्जियों में, और हम लोग उसे कच्चा भी खाते हैं। मूली भी हम लोग कच्चा खाते हैं, सब्जियों में भी डालते हैं। एंड व्हाट अबाउट टर्निप, है ना। सो दीज रूट्स कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। यू मस्ट हैव ईटन कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीट रूट। ऑल दीज आर रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स। अच्छा, अब अगले सेक्शन पर हम लोग आते हैं, दैट इज फ्रूट। तो ये तो सबको पता है कि फ्रूट जो है पौधों का, वो तो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते ही हैं। फ्रूट्स कीप अस फिट एंड हेल्दी, है ना। अगर कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो फ्रूट्स दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। फलों से हमें बहुत सारा विटामिन मिलता है, और ये विटामिन हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, हमें बीमारियों से दूर रखते हैं, बीमारियों से रिकवर करने में भी हेल्प करते हैं। सो वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स। आप देखो यहाँ पे कितना रंगीन पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे। सो दीज आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप इसमें कैप्सिकम को भी देख रहे हो, शिमला मिर्च भी दिख रहा है ना यहाँ पे भी ऑरेंजेस, मैंगोज, मैंगोज वेयर आर मैंगोज। फिर आप इसमें नींबू भी देख रहे हो, पपाया भी देख रहे हो, बनाना भी देख रहे हो, है ना। सो वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स। मुझे भी फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, नाश्ते में तो मुझे फ्रूट्स ही पसंद हैं। समटाइम्स आई ऑल्सो थिंक अबाउट डूइंग फलाहार वंस ए वीक। सो स्वीट एंड जूसी फ्रूट्स लाइक मैंगोज, ऑरेंजेज, ग्रेप्स, मस्क मेलन्स एंड वाटर मिलन्स आर ईटन रॉ। अभी गर्मियों में ना वाटर मिलन्स, बड़े बड़े वाटर मिलन्स, वाटर मिलन्स, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार क्यों ना आपको वाटर मिलन की तस्वीर दिखा दूँ। ये देखो आप वाटर मिलन, है ना, बड़े प्यारे से तरबूज, बड़े बड़े तरबूज। ओके, सो सम फ्रूट्स आर कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल्स। ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड टोमेटो आर सम सच फ्रूट्स। यहाँ पर फ्रूट्स कहने का मतलब है फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। हम लोग बैगन, भिंडी, टमाटर, ये सारे के सारे जो हैं, इसे हम क्या करते हैं, ये पौधों का वो भाग है जो फल कहलाता है, और हम लोग इसे सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें से जैसे कि बात करूँ टोमेटो की, तो उसे हम लोग अपने सलाद में, सलाद की ड्रेसिंग में उसे कच्चा भी खाते हैं, बिना पकाए भी खाते हैं। अब ये जो सेक्शन है फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो अभी तक हम लोगों ने जो बातें की, जिसमें हम लोग कह रहे थे कि प्लांट्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ फूड, लेकिन हम लोगों के खाने में कुछ भाग, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। सो कैन यू टेल मी व्हिच आर द पार्ट्स, व्हिच आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। वेरी सिंपल, मीट, एग, फिश, चिकन, है ना, मिल्क, पनीर। सो प्लांट्स कैन नॉट ऑलवेज फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। मैनी पीपल ऐड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश टू द फूड एंड दे ईट। तो अकेले सिर्फ पौधों के ही अलग अलग हिस्सों को खाने से दुनिया में जो लोग हैं उनकी खाने की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, और इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, सॉइल, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, वेदर कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है कि उस समय उस रीजन के लोग अपने खाने में प्लांट प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे या एनिमल प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक बात कहते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट्स जो होता है ना, वो भी प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है।
So milk of some animals like cow, buffalo and goat is taken by people all over the world. Milk is very good source of nutrients for one and all. It is especially important for growing children. Milk products like curd, cheese, ice cream, kheer, etc. are liked by most of us. आपका ये जो चॉकलेट होता है ना, उसमें भी तो मिल्क होता है, और ये जो पनीर, पनीर की सब्जियां आप पसंद करते हो, ये भी तो दूध से बना है, दही भी दूध से बनते हैं, बटर, मक्खन भी दूध से ही तो बनते हैं, और दूध हमें मिलते कहाँ से हैं? गाय, भैंस और बकरियों से। और ये ऐसा प्रोडक्ट है मिल्क जो पूरी दुनिया में हमें जानवरों से मिलता है और इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क के बारे में एक और स्पेशल बात कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं और मूड मिल्क जो होता है ना, वो कई बार फूड सप्लीमेंट या अगर आपके पास में कोई और फूड अवेलेबल ना हो तो आप चाहो तो 2 ग्लास 3 ग्लास दूध पी करके भी उस समय आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है और भी चीज़ें हैं। और आप गांव में जाते होगे तो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि भाई अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, हेल्दी बनाना है, मोटा बनना है, तंदुरुस्त होना है, सो यू शुड ड्रिंक 1 ग्लास 2 ग्लासेज ऑफ मिल्क एवरी डे। पहलवान जो होते हैं वो दूध और घी का इस्तेमाल खूब करते हैं। सो एग्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स लाइक हेन, गूज एंड डक आर इटन बाय मैनी पीपल। अंडे भी पसंद होंगे ना, आमलेट भी पसंद होगा आप सब लोगों को। ये हमें मिलता है मुर्गियों से, बत्तख से, है ना? यहाँ हम देख रहे हैं डू यू नो सेक्शन में कि मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट फूड, वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही। इट हेल्प्स अस टू ग्रो, गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज। आप याद करो ना छोटे बच्चों के बारे में, इन्फेंट्स जो विच आर 6 मंथ्स ओल्ड, 3 मंथ्स ओल्ड, 9 मंथ्स ओल्ड, वो जो 1-2 साल के भी बच्चे होते हैं, उनके फूड का मैक्सिमम पोर्शन उन्हें कहाँ से मिलता है? दूध से ही तो मिलता है, चाहे वो माँ का दूध हो या गाय का दूध हो। फिश एज वेल एज द मीट ऑफ सम एनिमल्स इज टेकन बाय मैनी पीपल। अब मैंने, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले नॉन वेज की बात की थी, तो हम लोगों ने कहा था ना, वैसे ही बात है कि बहुत सारे देश हैं जिनका सी कोस्ट एरिया बहुत बड़ा है। अब जैसे भारत में भी बातें करो आप, तो वेस्ट बंगाल की बात करो, गुजरात की बात करो, उड़ीसा की बात करो, तमिलनाडु की बात करो, मुंबई की बात करो, गोवा की बात करो, तो वहाँ के लोगों के खाने में फिश बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि उनके पास में उनका धरती, उनकी धरती का एक छोर जो है वो समुद्र से जा करके मिलता है। वैसे मछलियों में भी दो तरह की मछलियाँ होती हैं, बोलते हैं ना समुद्री मछली, खारे पानी की मछली, है ना, और नदियों से मिलने वाली मछली, नदियों के पानी को मीठा पानी कहते हैं। तो हम लोग फिश भी खाते हैं, मीट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एग्स भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन सा आइटम ऐसा है जो हमें एनिमल से मिलता है। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा नोट है कि इफ़ यू हैव टू मेक ए चॉइस फॉर ए हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, है ना, तो उस केस में अगर आपके पास में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों ही अवेलेबल हो, यू शुड प्रेफर वेजिटेरियन फूड्स, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए अच्छा होता है। अब जैसे कि कुछ काम की बात करें, काम की बात का मतलब है कि हम लोगों को किस तरह के काम करने होते हैं, तो दुनिया में दो तरह के लेबर हैं, फिजिकल लेबर्स एंड मेंटल लेबर्स। उन लोगों को जिन लोगों को दिमागी काम, लिखने पढ़ने का काम, सोचने का काम, डिसीजन लेने का काम, प्लानिंग करने का काम, पढ़ाने का काम करना होता है, तो दीज पर्सन विल बी नोन एज मेंटल लेबर्स। और वो लोग जैसे जो पत्थर तोड़ते हैं, सड़क बनाते हैं, बोझा ढोते हैं, रिक्शा खींचते हैं, खेती करते हैं, सो ऑल दीज वर्क्स आर डन बाई फिजिकल लेबर। उसमें ना शरीर के मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों के लिए कई बार नॉन वेजिटेरियन फूड थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। कई खिलाड़ी जो होते हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह भी होते हैं, उन्हें भी जब बॉडी बिल्डिंग करने की बात होती है तो उस केस में उनके के कोच जो होते हैं वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाना चाहिए। तभी तो हम लोगों ने प्रोटीन को और नॉन वेजिटेरियन फूड को, बॉडी फूडिंग
बॉडी बिल्डिंग फूड की कैटेगरी में रखा हुआ है। फूड नीड्स, सो डिफरेंट पीपल नीड एंड ईट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फूड। द टाइप ऑफ फूड दे ईट ऑल्सो वेरीज। द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड डिपेंड्स अपॉन एज, ऑक्यूपेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड जेंडर ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है बच्चों कि हम उम्र के अलग अलग पड़ाव पर, अगर आप 10 साल के हो तो आपकी फूड क्वांटिटी कम होगी, और आप अगर 15 ईयर्स के हो तो आपकी फूड क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और अगर आप 26 ईयर्स ओल्ड हो, 35 ईयर्स ओल्ड हो, तो उस केस में आपकी फूड की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आप काम क्या करते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा करते हो। समटाइम्स इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द जेंडर ऑफ ए पर्सन, बीइंग मेल और फीमेल। सो पीपल हु डू हार्ड फिजिकल लेबर ऑफन नीड टू ईट मोर चपातीज एंड राइस एज कम्पेयर टू दोज हु डू देयर वर्क वाइल सिटिंग इन एन ऑफिस। मैंने कहा था ना मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क की बात में। तो एक चीज़ है जो आप आगे कभी पढ़ोगे, मैं कभी एक अलग से छोटा सा लेक्चर रखूँगा अबाउट कैलोरी, है ना। कैलोरी, कैलोरी एक यूनिट है जिसके जरिए ये बताया जाता है कि किसी भी पर्सन को कितने खाने की ज़रूरत है, खाने की कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है, उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। तो मैं आगे चल करके बताऊँगा। तो जो लोग मेंटल लेबर करते हैं उन्हें कम कैलोरी की ज़रूरत हो सकती है, और जो फिजिकल लेबर करते हैं उन्हें ज़्यादा कैलोरी के फूड की ज़रूरत हो सकती है। सो फूड एंड एज, फ्रॉम बर्थ टिल अबाउट 4 मंथ्स ऑफ एज, स्मॉल बेबीज टेक मिल्क ओनली, मिल्क इज एबल टू फुलफिल देयर बॉडी नीड्स। तो यहाँ पर बात आ गई बच्चों के जन्म लेने के बाद से आगे के स्टेज की कि किस उम्र के बच्चों को कितने भोजन की ज़रूरत होती है। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पहले इनिशियल 4 मंथ्स में उनकी खाने की जो ज़रूरतें हैं, उनकी एनर्जी की जो ज़रूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क से पूरी हो जाती है, उनकी मम्मी की मिल्क से। सो मिल्क इज़ एबल टू फुलफिल देयर बॉडी नीड्स। आपको याद होगा, आपने देखा होगा आपके घर में अगर कभी किसी छोटे बच्चे का जन्म हो तो देखते होंगे कि वो शुरू के 4-6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मा के दूध पर रहता है। अगर किसी वजह से उसकी मम्मा दूध नहीं पिला पाती तो उन्हें काउज मिल्क, गाय का दूध दिया जाता है। समटाइम्स कभी कभी उन्हें हनी, शहद भी दिया जाता है। सो व्हेन ए चाइल्ड इज नियरली 6 मंथ्स ऑफ एज, ही सी इज गिवन सॉफ्ट पीसेज ऑफ फ्रूट एंड सेमी सॉलिड फूड्स। 6 महीने के लगभग होने पर उन्हें थोड़ा थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा दाल दिया जा सकता है, कुछ हल्के गूदेदार मीठे से फल दिए जा सकते हैं, और इस दरमियान भी बच्चा दूध पीता रहता है। एंड ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड यंग पर्सन्स नीड टू ईट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। दिस डाइट कैन इंक्लूड राइस, वेजिटेबल्स, चपातीज, दाल, डोसा, इडली, उत्तपम, सांभर, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो। तो जो बढ़ते बच्चे होते हैं, बढ़ते बच्चे का मतलब है चिल्ड्रंस विच फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 18 ईयर्स, है ना। तो ये बढ़ते बच्चे कहलाएंगे, 8 ईयर्स चाइल्ड, उसे भी हम लोग इसी एज ग्रुप में कंसीडर कर लेते हैं। तो उन्हें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ दूध पीना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ पूरी खाना चाहिए। मैंने अक्सर बच्चों के बारे में कंप्लेन सुनी है कि वो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट। तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपके खाने में वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, फाइबर भी होने चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम भी होना चाहिए। तो आगे से आप ध्यान रखोगे। सो वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एलॉन्ग विथ ए गुड डाइट। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इन ओल्ड एज पीपल प्रेफर ईजिली डाइजेस्टेबल सिंपल फूड। तो अभी अभी इसमें क्या बताया गया कि हम लोगों को पानी भी ज़रूर पीना चाहिए और सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर कहीं छूट रही है, आप लोग नोट करो कि हम लोगों के खाने में ना फाइबर भी होना चाहिए। फाइबर का मतलब है कि रेशेदार सब्जियाँ, चोकर वाली रोटियाँ,
अगर हम सिर्फ फाइन पार्टिकल्स, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, है ना, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इस केस में हमारे शरीर में फाइबर की दिक्कत हो सकती है। और अगर हमने खाने में फाइबर नहीं लिया तो हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी बातें करेंगे। समटाइम्स वी ईट टू मच, ये डू यू नो सेक्शन में लिखा है कि समटाइम्स वी ईट टू मच, सो दिस इज कॉल्ड ओवर ईटिंग एंड कैन मेक अस फैट और ओबेस। ए फैट पर्सन इज जनरली नॉट ए वेरी एक्टिव और ए हेल्दी पर्सन। मैं सोच रहा हूँ कि फैट का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि एक मोटा सा बच्चा, ओबेस, ओबेस भी उसका मतलब भी ऐसा है कि वैसे बच्चे या वैसे लोग जिनकी कद काठी, जिनका डील डॉल थोड़ा बड़ा होता है और शरीर के बीच का हिस्सा, मिडिल सेक्शन ऑफ द बॉडी, वो थोड़ा सा वाइड चौड़ा सा होता है, ओबेस पर्संस। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको दिखा दूँ ना, तो फिर आप अवॉइड करोगे ज़रूरत से ज़्यादा खाने से। देखो, तो ये जो तोंद दिख रही है, ये जो पेट दिख रहा है, ये एक ओबेस पर्सन का है, ये भी एक ओबेस पर्सन है, ये एक ओबेस महिला है ना। मैं सोच रहा हूँ कि ओबेस बच्चों की तस्वीरें दिखाऊँ आपको। ये देखो, जो बच्चे ओबेस होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। तो ऐसा बच्चा हेल्दी तो नहीं कहलाएगा ना, और ऐसा बच्चा खेल कूद में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। ऐसे बच्चे अक्सर ना लेजी हो जाया करते हैं, लेजी। और लेजी होने की बात तो बाद में है। ऐसा होगा कि बाकी सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करेंगे, टीज करेंगे, और आगे चल करके उन सब लोगों को किसी न किसी डिजीज का भी इशू हो जाता है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर अब इस चैप्टर के आखिरी सेक्शन में हैं, तो जरा सा कीवर्ड्स को देख लेते हैं। सो द कीवर्ड्स आर फ्लोर, पाउडर मेड बाय क्रशिंग ग्रेन्स, व्हीट फ्लोर, मेज फ्लोर, राइस फ्लोर, तीन तरह के आटे हो सकते हैं। हम लोग बेसन की भी बातें कर सकते हैं, है ना, चने दाल का बेसन। सो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड नीडेड फॉर द लाइफ, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स में नाम आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, इन सब चीज़ों का। पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स का मतलब है वो सारे बर्ड्स जिनकी हम जिन्हें हम पोल्ट्री फार्म में देखते हैं, जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इफ़ वी आर नॉन वेजिटेरियन, लाइक हेन एंड डक हुज एग्स आर ऑल्सो यूज एज फूड। एंड रॉ फूड, वट डू यू मीन बाई रॉ फूड, द फूड दैट इज नॉट कुक्ड, है ना, वो सारे फल, वो सारी सब्जियाँ, वो सारे बीज, वो सारे स्टेम्स जिसे हम रॉ कच्चा ही खा सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपका जो चैप्टर डिस्कस किया इसका नाम था फूड। सो वेरी सुन आई विल बी कमिंग अप विथ ए न्यू लेक्चर ऑन योर नेक्स्ट चैप्टर। सो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग। सो जब तक हम लोग अगले लेक्चर के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करना और इस लेक्चर के बारे में अपने कमेंट्स जरूर डालना। ओके, बाय।